जमींदारों के माध्यम से टंडिया की पुश्तैनी जमीन तक हड़प ली। अपने और अपने भील समुदाय पर हो रहे अत्याचार और पूर्ण भारत पर हो रहे अत्याचार पर टंडिया ने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध किया, जन चेतना आदिवासियों के बीच में जन चेतना जगाई। मालवा और निमाड़ के ठेठ जनजाति इलाकों में आजादी की लहर पैदा की। पराधीनता की भेड़ियों को काटने की हिम्मत की और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा दिया। आजादी का परचम फहराने वाला वह नायक था टंट्या भीम। स्वाधीनता ही सर्वस्व, पराधीनता वेदना। बंदी जो बनते किसी के, जानते वो वार करना। जिसे आज भी मालवा और निमाड़ के लोग टंटिया मामा कहते हैं और देवता की तरह पूजते हैं। अंग्रेज हुकूमत के लिए सिरदर्द बने टंटिया और उसके दोस्त दोलिया को जैसे तैसे पकड़ लेते हैं अंग्रेज सिपाही और खंडवा जेल में बंद कर देते हैं। और वक्त आता है कोर्ट में पेशी का।
तना चबा रहा था। मालवा और निमाड़ के ग्रामीण अंचलों में बगावत की आग और जोर पकड़ रही थी, लेकिन एक दिन प्रेसिडेंट रिफिन को पता चलता है कि टंटिया और उसकी पत्नी जशोदा खंडवा जा रहे अपने भांजे से मिलने और कुछ हथियार खरीदने। तलवार हाथ वाह 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 बिलकुमार, अड़नम हिम्मत अपार वाह 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 बिलकुमार, चूके नहीं कोई निशान वाह 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 बिलकुमार, वाह 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 बिलकुमार, वाह 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 बिलकुमार, वाह 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 बिलकुमार। Thank you.
टंट्या की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि जब टंट्या को गिरफ्तार कर लाया गया तो टंट्या की मात्र एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ चौराहों पर लग गई। अंग्रेजी हुकूमत टंट्या से इतना भय खाती थी कि जब टंट्या को ले जाया जा रहा था तो टंट्या को मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर बंदूक की नोक पर ले जाया गया। जाता है कि टंट्या मामा को फांसी देने के बाद उनकी मृत शरीर को पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टंट्या के मृत शरीर को पाताल पानी के जंगलों में फेंकने के बाद वहां रेल हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद सरकार एवं भील समाज ने मिलकर वहां टंट्या मामा का मंदिर बनवाया और आज भी वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन 2 मिनट रुककर टंट्या मामा को सलामी देने के बाद ही आगे बढ़ती है।